बर्रोली में शिव मंदिर में शिव जी का हुआ जलाभिषेक, भक्त हुए शामिल। 1.5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम भर्रोली में प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों द्वारा जलाभिषेक कराया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। आपको बता दें कि जलाभिषेक का धार्मिक अनुष्ठान जय भारती कला मंच के संस्थापक सुशील नामदेव द्वारा रामगढ़ मंदिर से प्रारंभ किया गया और अनवरत 1 माह चला, जिसमें नगर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक कराया गया, जिसका समापन भर्रोली के शिवालय पर हुआ। ये जो सब मंदिरों पे जलाभिषेक किया जा रहा है, इसका सर उद्देश्य बताएं और महत्व बताएं। इसका उद्देश्य जो है, जो हमारे प्राचीन शिवालय है, आने वाली पीढ़ी है उन तक पहुंचे, और जो श्रावण का महीना होता है शिव जी के लिए समर्पित होता है, इसलिए पूरे भांडा नगर में जितने भी शिवालय थे प्राचीन सभी पे अभिषेक करते हुए आज यहाँ सालन भर्रोली में जो दिव्य मंदिर बना है, उस दिव्य मंदिर के दर्शनों के लिए सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है। भोले बाबा यहाँ विराजमान है। एक अद्भुत मंदिर जो देख रहे हैं आप, अपने क्षेत्र में कहीं नहीं, इसलिए लोग दर्शन करें ज्यादा से ज्यादा, और आने वाली पीढ़ी इसको संरक्षित सुरक्षित करें और धर्म के प्रति श्रद्धा रखें। इसको उद्देश्य को लेकर के पूरे नगर में 1 महीने तक प्रत्येक शिवालय पर जो अभिषेक किए गए उसका मुख्य जलाभिषेक, इसमें लगभग 50-51 तीर्थों का जो जल लेकर के भक्तगण आए हैं और यहाँ पर भोले बाबा का अंदर अभिषेक कर रहे हैं। पुजारी जी, ये बताएं, ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है और इसमें कितने लोग आते हैं और क्या लोगों की श्रद्धा है? ये मंदिर जो है, बताते हैं, ऐसा कोई लेख तो इसमें नहीं है कि देवतानी मंदिर है, देवताओं द्वारा बना हुआ एक रात्रि का मंदिर है। यहाँ पर जो है वैसे दर्शनार्थी तो आते ही रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और इस मेले में जो है ग्वालियर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ मुंडन भी होते हैं शिवरात्रि में। शिवरात्रि में मुंडन होने के बाद में यहाँ और कांवर वगैरह जो लोग लेकर के आते हैं वो भी यहाँ जल चढ़ाया जाता है। विशेष संख्या में भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है, सुबह से करीब 4 बजे से यहाँ शुरू हो जाता है, रात्रि में 10 बजे तक यह मेला बराबर चलता रहता है। इतना भारी मेला हो जाता है कि यहाँ जल चढ़ाने में भी लोगों को परेशानी हो जाती है और सही समय से वो जल भी नहीं चढ़ा पाते। कितना पुराना मंदिर बताते हैं कि करीब करीब इसका कोई लेख नहीं है, लेकिन देव पुरखा लोग भी ये बताते थे, हमारे पूर्वज लोग भी, कि ये मंदिर जो है ऐसे ही का बना हुआ है, देवतानी है और एक ही रात्रि का बना हुआ। क्या विशेषता है इसमें? इस मंदिर में जो है जो भी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं वो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं।